मैं हूं अल्ताफ खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 4। न्यूज इंडिया 4 चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। जिन लोगों ने कोरोना में अपनों को खोया है, अब उनको नगर पालिका के चक्कर काटना पड़ रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही हो रहे हैं परेशान। प्रदेश सरकार भले ही कितनी ही योजनाओं चलाए, लेकिन उसको पलीता लगाने में कर्मचारी पीछे नहीं हट रहे हैं। कोरोना से पीड़ित होकर जिन लोगों की मृत्यु हुई है, प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों को परिजनों को 50,000 मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों की मनमानी से ये योजना का लाभ पीड़ित परिजनों तक पहुँचने में देरी हो रही है। 5 दिन से लगा रहा था हितग्राही चक्कर। CMORP नायक के संज्ञान में पहुंचा मामला, जमकर लगाई फटकार। कर्मचारी को तत्काल कराया काम। ताज़ा मामला सरोज नगर पालिका कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। यहां कर्मचारियों द्वारा काम में लेट लतीफ़ी करने के मामले सामने आया है। इतना ही नहीं, कर्मचारी द्वारा सही जानकारी हितग्राही को नहीं दी जा रही। कई दिन तक हितग्राहियों को भटकना पड़ रहा है। जिन परिवारों के अपने कोरोना वायरस में खो चुके हैं, उनको सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है, जिसकी स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ कागजी कार्रवाई करना पड़ती है। वार्ड नंबर 16 निवासी इकबाल मंसूरी द्वारा बताया गया कि मेरी माँ की कोरोना वायरस के समय मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए मुझे कुछ कागज़ तैयार कराना थे। मैं इन कागज़ों को लेकर नगर पालिका पहुँचा तो वहाँ मुझे संदीप नाम के कर्मचारी ने 5 रोज़ तक घुमाया। जब ये मामला CMO साहब के सामने मैंने रखा तो CMO साहब ने तत्काल नगर पालिका कर्मचारी संदीप को फ़ोन लगाकर मेरा काम करवा, जिसके लिए मैं CMO साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोबारा कागज़ मांगा गया था मुझसे, इसलिए मैं नगर पालिका आया था। कोरोना में हमारी अम्मी ख़त्म हुई है, जिसका CM द्वारा ये योजना आई है, जिसका लाभ मिलना है। नगर पालिका से एक कागज़ लगना था जो तहसील में मंगाया गया था। मैं नगर पालिका आया, संदीप सुमन है जिन्होंने मुझे 2-3 दिन तक घुमाया। उसके बाद मैं 2-3 दिन घूमने के बाद, परेशान होने के बाद, बड़े साहब को फ़ोन लगवाया। उनसे CMO साहब से मैंने फ़ोन लगवाया, नगर पालिका नंबर लिया मैंने। मेरे साथ संदीप सुमन ने गलत व्यवहार किए, तब मैंने CMO साहब से बात कराई, तब जाके उन्होंने मुझे कागज़ बना के दिया।